हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्केल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि स्केल हम कैसे लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर स्केल है 1:400, उसका मतलब क्या है? जैसे 1:100, 1:50, इस स्केल का मतलब क्या है? यूजली जब आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके जितने भी डिस्टेंस है वो सब एमएम में। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर राइज ऑफ ईच स्टेप दिया है 150 mm और ट्रेड दिया है 250 mm। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिस्टेंस है ये सब एमएम में। हम ये डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं बना सकते, तो हमें इसको थोड़ा सा कम करके बनाना पड़ता है। तो इस 1:400, 1:100, 1:50, इसका मतलब होता है आप जो ओरिजिनल स्केल दिया है मैप के ऊपर उसको आप रिड्यूस करके अपने शीट पे बनाओगे। तो कैसे? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इनसाइड मेजरमेंट ऑफ द शेयर हॉल विड्थ, टोटल विड्थ कितना दिया है? 2000 mm। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 2000 mm, लेकिन 2000 mm हम इसके ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो 2000 mm हमको यहाँ पर बनाने के लिए हमको स्केल लेना पड़ेगा। अगर हम स्केल 1:100 लेते, इसका मतलब क्या है? स्केल का मतलब क्या है? स्केल का मतलब है 1:x। इस x की वैल्यू आप कुछ भी लो, मतलब अगर आप 1:400 लोगे तो जितना भी डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में विड्थ कितना दिया है? 2000। तो आपका जो भी डिस्टेंस है 2000, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा x से। समझा? हमने x किसको लिया है? 400 को लिया है। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ, मैं ओजी लिख रहा हूं, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ ऑन मैप अपॉन एक्स, जो भी मैप के ऊपर लेंथ दिया है अपॉन एक्स। एक्स क्या है? एक्स आपने जो भी स्केल लिया, 1:400 लिया, 1:100 लिया, मतलब कि अगर आपको ये 2000 mm का डिस्टेंस बनाना है तो आपको 2000 अपॉन एक्स करना पड़ेगा। मतलब 2000 अपॉन 400 करना पड़ेगा, 2000 अपॉन 400 करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे 2000 अपॉन 400 कितना आता है। 2000 अपॉन 400, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइव, मतलब आप 5 cm का विड्थ बनाएंगे अपने पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, दिख रहा होगा आपको शायद, देख सकते हैं आप टोटल डिस्टेंस 5 है। ठीक है, वैसे अगर आप स्केल लेते हो ना तो आपको हर एक स्केल कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक डिस्टेंस जो भी मैप में डिस्टेंस दिया है उसका हर एक आपको डिवाइड बाय एक्स करना है आपके मेन शीट में बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब वापस आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको 1000 दिया है। ठीक है, 1000 mm। अब 1000 mm आपको बनाने के लिए वापस आपको 1000 अपॉन एक्स करना पड़ेगा। 1000 अपॉन एक्स कितना होगा? 1000 अपॉन एक्स कितना है आपका? 400 है, क्योंकि अभी हम लोग 1:400 ले रहे हैं, तो इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आता है? 2.5। तो जाहिर सी बात है ये जो 1000 यहाँ पर है आपके शीट में वो 2.5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस 1000 की जगह पर, ये जो 1000 है यहाँ पर हम लोग 2.5 ये डिस्टेंस बनाएंगे, 2.5 लेंगे। ठीक है, आप ये अंदर वाला, मैं अंदर वाली लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर से अंदर तक अंदर वाली लाइन। ठीक है, बाहर जो है वो तो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस, वॉल की थिकनेस यहाँ पर देख सकते हैं 200 है। तो 200 अपॉन 400 कितना होगा? 200 अपॉन 400 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, 0.5 हो गई आपकी वॉल की थिकनेस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल की थिकनेस है 0.5। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में 0.5 वॉल की थिकनेस है। ठीक है, इसी तरीके से स्केल मेजर किया जाता है। एक और आपको बता दूं, अगर नहीं समझा तो 1:100 का मतलब क्या है? क्वेश्चन में आपको कभी कभी गिवन आता है कि आपको 1:100 का स्केल लेना है। सिंपल सी बात है, आपको ये 2000 अपॉन एक्स करना है। एक्स क्या करना है? अगर आप 1:100 लेते हो तो, अगर 1:100 लेंगे तो ये 2000 2000 अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू करेंगे तो 20 सेंटीमीटर
20 सेंटीमीटर की लाइन बननी चाहिए आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो इतना जगह तो यहाँ पर हमारे पास था ही नहीं। 20 सेंटीमीटर आप स्केल देख सकते हो, 16 सेंटीमीटर यहाँ तक जाता है, तो 20 सेंटीमीटर कितना बड़ा जाएगा, तो इसलिए उतना हम लोग नहीं ले सकते थे। इसलिए मैंने क्या किया, 1:400 का स्केल लिया, क्योंकि मैं उसको अच्छे से इस A4 पेपर पे बिठा सकूं। तो यहाँ पर क्या किया, अभी यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हैं 2500 mm, 2500 mm मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, 2500 2500 अपॉन x। x कितना है, हमारा स्केल है 400 का, तो 400 अपॉन 400 इक्वल्स टू करेंगे तो डिस्टेंस देख सकते हैं 6.25। तो यहाँ पर आपको 6.25 सेंटीमीटर चाहिए, देख सकते हैं आपको 6.25 की आपको लाइन मिलेगी। इसी तरीके से स्केल कैलकुलेट किया जाता है जब आपको एक ड्राइंग अपने शीट पर बिठाना होता है। यही बहुत लोगों का डाउट होता है कि स्केल हम लोग कैसे यूज करें, स्केल का मतलब क्या है। तो होप कि आपका स्केल का कॉन्सेप्ट तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।